सो हाई एवरीवन कोर्स के अनदर धमाकेदार शानदार और जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज स्पेशली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। वैसे चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं और हम जैसे रिटेलर को ऐसे चार्ट पैटर्न का इंतजार रहता है, बोले तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। सो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे अपॉर्चुनिटी कभी मिस भी मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी पैटर्न आप लोग यूज़ करते हो कंटिन्यू उस पर ट्रेड कीजिए, उस पर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं पैसे कमाने लग जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पैसे आपके पास 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, मैटर नहीं करता है। जब तक कि आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस ना बने तब तक आपके पास करोड़ों रुपये हो डिपेंड कुछ भी नहीं करता वो सभी चीज़ें। जब आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा किसी भी चार्ट पैटर्न के ऊपर, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, कोई भी प्राइस एक्शन पे, मूविंग एवरेज पे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप 5,000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। सो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रिवर्सल चार्ट पैटर्न का। रिवर्सल जो ट्रेंड होता है अगेन मार्केट उसी तरफ ही रिवर्स कर जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, रिवर्सल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आज। रिवर्सल, अब आप रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन सा, ब्रेकआउट सीट। तो ये ब्रेकआउट पर वर्क करने वाला है, तो एक एक चीज़ें मैं बात करूँगा। सबसे पहले है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम का क्या मतलब, बॉटम का मतलब होता है बिल्कुल नीचे का, बॉटम। तो डबल बॉटम, डबल बॉटम का मतलब है कोई ऐसा स्पेस जहाँ पर इस तरीके से मार्क किया मैंने, मार्केट बाजार इस लेवल पर आया और एक बॉटम क्रिएट किया, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ गया, ठीक है। फर्स्ट बॉटम हो गया। सेकंड बॉटम ये जहां से रिवर्स कर रहा होगा, तो एक चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, इस तरीके से कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल डाटा आप लोग चेक करोगे तो यहां पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, जहां से क्या किया, यहां से नीचे तरफ मार्केट आया, फिर अगेन एक और बॉटम क्रिएट किया और इस तरीके से यहां पर पहुंचने के बाद यहां से ब्रेकआउट करेगा। तो ये हो गया डबल बॉटम, डबल बॉटम। तो हमें ट्रेड कैसे करना है इस चीज का आपको अभी ध्यान देना है। जैसे ही ये नीचे आया, इस लेवल पर रजिस्ट किया, अगेन बॉटम क्रिएट किया, तो यहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, यहां पे कहीं ना कहीं डिमांड एरिया है। तो इस एरिया को भी हमें ध्यान रखना है कि भाई साहब यहां पे सपोर्ट एरिया है जहां से ये बॉटम बन रहा है, और जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट करेगा तो कई लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इस लेवल पे नीचे पुट करेंगे। लेकिन सेफ ट्रेडर हमेशा रीटेस्ट का वेट करते हैं और हमें भी रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट करेगा फिर रीटेस्ट करेगा लेवल को, यहीं पर बाइंग होगा और स्टॉप लॉस लगने के बाद डायरेक्ट मार्केट में इस तरीके से ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान में ये रखना, आप कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी काम मत करना, मार्केट के प्राइस को समझने का ट्राई करना। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, डबल बॉटम कौन सा टाइम फ्रेम पे बनता है डिपेंड वहां करेगा किस तरीके से आप एंट्री कर रहे हो। यदि डबल बॉटम का रेंज बहुत बड़ा है जिसके बीच में 200 से 300 पॉइंट का गैप है, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे तो आपको जाना ही नहीं है, सिंपल सी चीजें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, इसके बीच में अगर 200 पॉइंट का गैप है तो कैसे ट्रेड करोगे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने के बाद आपको रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, लेकिन गैप ही 50 से 60 पॉइंट का है, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहे हो फिर रीटेस्ट का वेट कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ट्रेड निकल जा चुका होगा और आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम कौन सी बात की, डबल बॉटम पैटर्न। उसके बाद है ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम इसमें क्या है, डबल बॉटम, यहां पे ट्रिपल, मार्केट थोड़ी देर और स्ट्रगल करेगा। किस तरीके से, फर्स्ट बॉटम बनाया, गया ऊपर, रजिस्ट किया, नीचे आया, फिर बॉटम बनाया, रजिस्ट किया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर बॉटम बनाया, रजिस्ट किया, ऊपर गया। अब इस लेवल पे रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से नीचे है और इस रेजिस्टेंस को वीक कर चुका है। तो ये ट्रिपल बॉटम वर्क करता है, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे अगेन ट्रेड लिया जाएगा कॉल के साइड। यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई होगा, मार्केट में गैप कितना है बीच में, अच्छा खासा गैप है, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहे हैं, नहीं जाएंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट करने के बाद जैसे निकलेगा हम लोग यहाँ पर बाय करने वाले हैं। तो आप लोगों ने डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम दोनों चीज़ समझा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट है डबल टॉप और ट्रिपल टॉप के बारे में, ठीक है। डबल टॉप में सेम चीज़ क्या है कि मार्केट नीचे से कहीं ना कहीं इस लेवल पे गया है और ऊपर एक डबल टॉप क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। फर्स्ट टाइम क्रिएट किया, नीचे आया, सेलर यहाँ पे अग्रेसिव सेलर ने यहाँ पे सेल किया क्योंकि इस लेवल पे कोई रेजिस्टेंस होगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। मार्केट में अगर कहीं से कोई लेवल से मार्केट रिवर्स कर रहा है तो वहाँ पे कुछ है भाई, प्रीवियस चेक करो, प्रीवियस चार्ट चेक करो, वहाँ पे कुछ है, कोई लॉजिक का नंबर होगा या कोई रेजिस्टेंस होगा अच्छा खासा, इसी वजह से वहाँ से रिवर्स किया। तो जैसे यहाँ से भाई साहब नीचे की तरफ रिवर्स किया, कुछ सेलर यहाँ पर एड ऑन हुए, लेकिन जब सेकंड टाइम और चला गया तो यहाँ पे सेलर सोच रहे हैं कि भाई एक बार और यहाँ पे ट्राई किया जाए, क्योंकि जो लेवल पे यहाँ पे इन्होंने सेल किया था अगेन यहाँ पे सेल किया और ये सेल उनका सफल रहा। तो यहाँ पे क्या चीज़ देखना है,
कि जो मैंने प्रीवियस चार्ट पे बताया था कि गैप का हमेशा ध्यान रखना, अगर गैप छोटा सा है और जब डायरेक्ट ब्रेकआउट करे तो ले लीजिएगा, गैप बड़ा है तो रीटेस्ट का जरूर वेट कीजिएगा। जब ये नीचे आया रीटेस्ट किया, यहाँ पर बाय करो, आप लोग पुट बाय करो, यहाँ पे सेल कर दो और आराम से प्रॉफिट जनरेट करो। नंबर चौथा है जो है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप कैसे, मार्केट गया ऊपर, ऊपर टॉप बनाया, तीन बार टॉप बनाया, तीनों बार यहाँ पे किसके क्या क्या रेजिस्टेंस किया, और रेजिस्टेंस भाई साहब बहुत स्ट्रांग था, जिस वजह से इसको क्या किया यहाँ से ये नीचे की तरफ भेज दिया। इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लाइन है। जैसे नीचे आया इस तरीके से ब्रेक डाउन किया, जैसे ही यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट करेगा, फिर हम लोग यहाँ पर बाय करने वाले। किस तरीके से कि नीचे देखो, जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट भी ले लिया है। डबल टॉप में किस तरीके से कैंडल बन रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हो कैंडल किस तरीके से बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करने की कोशिश करूँ तो ये देखो, मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से हुआ। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, इन सभी को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। चलिए देखो, इसको देखिए, इसको देखने का ट्राई कीजिए, ये किस तरीके से यहाँ से ऊपर गया है, टॉप बनाया, नीचे आया, फिर टॉप बनाया, फिर ये ब्रेकडाउन किया, फिर रिटेस्ट किया और फिर तरीके यहाँ से नीचे गया। जैसे ही इस लेवल पे कोई ऐसा कैंडल दिखेगा, मैं आपको वीडियोस में बताते रहूँगा कौन से कैंडल्स पर आपको देखना है और ट्रेड करना है ऐसे प्लेस पे, तो मैं वो चार कैंडल्स के बारे में बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, वो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा और मैं बता भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कैंडल बनेगा जहाँ पर हम लोग बाय करने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा, वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। तो जैसे इस तरीके से रिटेस्ट किया और यहाँ से कंटिन्यू आ गया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यहीं पर ही कहीं ना कहीं ये बाय कर सकते हो पुट को, और नीचे की तरफ होल्ड कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको मालूम होगा यहाँ पे कौन सा कैंडल बनेगा ताकि हम लोग सेल कर पाएं, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, ट्रिपल टॉप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इसको एडजस्ट बाद में कर लूँगा मैं, इसको छोड़ दीजिए। ट्रिपल टॉप के बारे में, ट्रिपल टॉप में सेम वही चीज़ होगा। ट्रिपल टॉप में क्या होगा, जैसे ही मार्केट में क्या करेगा, इस तरीके से नीचे से आएगा मार्केट, ऊपर टॉप, फर्स्ट टाइम टॉप बनाएगा, फिर नीचे आया, फिर सेकंड टाइम टॉप बनाया, इस तरीके से किया, थर्ड टाइम टॉप बनाया, तो तीन बार टॉप बना चुका है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बहुत रेडी है इसको नीचे भेजने के लिए। जैसे इसको नीचे भेजेगा, रिटेस्ट किया, इस लेवल पे आप लोगों ने बाय किया पुट को और आराम से यहाँ पे होल्ड किया। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिपल टॉप यूज़ कर सकते हो। चार कैंडल के बारे में बताया, चार पैटर्न के बारे में बताया, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप और डबल बॉटम। उसके बाद थर्ड क्या चीज़ है, थर्ड है राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। इसको ध्यान रखो, मैं वही चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ जो मार्केट में ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, ज़्यादा रिटेलर ट्रेड करते हैं, सब कुछ सब देखते हैं। आपको मालूम है ये जो चार्ट पैटर्न हम लोग बात कर रहे हैं, क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या ऑपरेटर लोग नहीं देख रहे इसे, क्या बड़े लोग नहीं देख रहे इसे, वो भी देख रहे हैं। हमें यहाँ पे इसी वजह से मैं लाइव आता हूँ, जहाँ पर मैं कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझाने का ट्राई करता हूँ, और वहाँ पे समझने के बाद आप लोग खुद ट्रेड ले सकते हो। जब साइकोलॉजी आपको खुद समझ में आए, कैंडल कर क्या रहा है, कैंडल का बिहेव क्या है, कैंडल कहना क्या चाह रहा है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता चलने लग जाएगा, आप लोग प्रो ट्रेडर खुद बन जाओगे। यहाँ पे क्या है, राइजिंग वेज, मतलब मार्केट देखो किस तरीके से नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, और इस तरीके से एक यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया, देख रहे हो इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है, बाजार इस तरीके से आया, यहाँ पे रजिस्ट किया, नीचे आया, सपोर्ट किया, यहाँ के रजिस्ट किया, यहाँ के सपोर्ट किया, यहाँ के रजिस्ट किया, अब कौन सा पार्ट वीक होने वाला, सिंपल चीज़ है। यदि ये राइजिंग वेज है तो मार्केट नीचे से आएगा क्रिएट करके, फिर ये नीचे गिरेगा, तो जैसे ही इस लेवल से नीचे गिरेगा, यहाँ पे नैरो हो चुका होगा, यहाँ पे कई बार रिटेस्टिंग का वेट ही नहीं करना पड़ता है, नैरो ऑलरेडी हो चुका है, कुछ पॉइंट में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करेगा और डायरेक्ट ब्रेकडाउन करेगा, यहीं पर ट्रेड हो जाता है, इसी लेवल पे ट्रेड करके और इसको आराम से होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉप लॉस का मतलब है आपको बड़े लॉसेस से बचाना, स्टॉप लॉस हमेशा लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ नंबर है हमारा फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज का मतलब है मार्केट टॉप से आया है, टॉप से आया, इस तरीके से क्रिएट किया है, इस तरीके से क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं, और जैसे ही ये धीरे धीरे इस तरीके से टच करते करते यहाँ पे नैरो हो जाएगा, तो जैसे ही ये नीचे आया सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर क्या रजिस्ट, नीचे सपोर्ट, रजिस्ट सपोर्ट रजिस्ट, और फिर ये नीचे वाले को सपोर्ट को ब्रेक करेगा, बिल्कुल नैरो हो चुका होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ पे ब्रेकडाउन करने पर जस्ट यहाँ पे ट्रेड हो गया और आराम से इसको टारगेट के लिए वेट करें, ठीक है। जनरली ये इतना पॉइंट का यहाँ पे जो ये बड़ी वाली जो यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम यहाँ से जो यहाँ तक का जो इसकी लेंथ है ना, वो लेंथ यहाँ पे आपको जनरली टारगेट देखने को मिलता है, बट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से 1:2:3 का ऐसा वेट करके आप लोग ट्रेड ले सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, दिस इज़ अ बिजनेस, ये गैम्बलिंग नहीं है, तो अपने आप को कंट्रोल में करके हर पैटर्न को, ऐसा नहीं कि 101% हमेशा ये काम करता है, लेकिन जब भी काम करेगा आप अपना रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए ट्रेड कीजिएगा। नंबर चौथा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
बहुत लोग करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग बनता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े लोग काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े लोग काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग भी काम करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे भी हम लोग काम करते हैं। तो हमें जो भी टाइम फ्रेम पर काम करते हैं हम लोग, उस टाइम फ्रेम पे अगर ये बनता है तो कैसे ट्रेड किया जाता है, वो चीज़ें हमें देखते हैं। हेड एंड शोल्डर का मतलब है, ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया, मैं जो भी बता रहा हूँ वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न नेक्स्ट वीडियो में। रिवर्सल का मतलब है जहाँ से गया रिवर्स कर जाएगा या ऐसा। तो क्या कर रहा है मार्केट, इस तरीके से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर है नेक लाइन बनाया, हम इसको यू टर्न बोल सकते हैं, मैं हमेशा ऐसा बात कर यू टर्न, ऐसा जहाँ पे दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है रेड एंड ग्रीन का। जब यहाँ से ये ऊपर चला गया तो फिर ये अगेन नीचे आया, हमें यहाँ तक कुछ थोड़ा थोड़ा कन्फर्मेशन लग रहा है कि ये भाई कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हेड हो गया, सॉरी ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया और फिर यहाँ पे अगेन शोल्डर बनाने का ट्राई करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दो पैसे का ऊपर नीचे बोले तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट भाई ये अगर 505 पे बना तो ये 505 पे बनना चाहिए, नहीं, ऐसा पैटर्न आपको बस बनते हुए दिखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि इस तरीके से जैसे ही बनता है तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होने पर तुरंत ट्रेड लिया जाता है पुट के साइड में। यहाँ पे कैंडल्स का साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ समझने के बाद आप लोग ट्रेड लोगे, ये इस लेवल पे ट्रेड क्यों बनता है, जैसे इस लेवल से ऊपर जाता है मार्केट नीचे आया तो फर्स्ट टाइम इसका ब्रेकआउट किया, इसको सपोर्ट क्रिएट किया, ये रेजिस्टेंस था, समझने का ट्राई करना, ये रेजिस्टेंस था फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम सपोर्ट क्रिएट किया, अगेन ऊपर चला गया, थर्ड टाइम अगेन इसको टच करता है सपोर्ट को, सपोर्ट क्या हो गया, अब फोर्थ टाइम क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, फिर क्या होगा, तीन चार बार टचे जा चुके हैं, जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे इन सभी बायर का स्टॉप लॉस जाएगा, हेड एंड शोल्डर की बात करो, और यहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा पुट साइड में। इसमें जनरली आपका जो टारगेट है वो इसकी लेंथ का, इसके लेंथ के बराबर में आपका यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट देखने को मिलेगा। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मार्केट टॉप से नीचे की तरफ फॉल करते हुए आया है, इस तरीके से ऊपर से फॉल करते हुए आया है, अब ये अगेन ऊपर जाने वाला है, तो इसमें क्या होगा, सेम चीज़ें, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अपने आप को ऐसे रख रखा हूँ मैं, अब उसको उल्टा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, अगर ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है तो अपना सपोर्ट जरूर क्रिएट करते रहिएगा आप लोग। इस तरीके से नीचे आया, यहाँ पे रजिस्ट किया, इस लेवल पे रजिस्ट किया, अगेन नीचे आया, फिर यहाँ पे रजिस्ट किया, अगेन नीचे आया, फिर यहाँ पे रजिस्ट किया और इसका क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये क्या हो गया, इसका ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये अगेन शोल्डर हो गया, तो टू टाइम शोल्डर इक्वल टाइप का बनेगा, एक बीच में हेड बन जाएगा और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों के बीच में कितना गैप रहता है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से छोटा है नैरो बन चुका है, यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है आपको अपसाइड के लिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और यहाँ पे उसको उठा के आप लोग इसके लेंथ के बराबर का टारगेट रख सकते हो। स्पेशली मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊं कि टारगेट आप लोग 1:2 का रखा कीजिएगा। अगर 1:1 का रहते हो, एक्यूरेसी आपका 50 से 60% पे होता है, तो कहीं ना कहीं आप लॉसेज में चले जाओगे। एक्यूरेसी हमेशा आप लोग 1:2 का रखें, सॉरी 1:2 का आप लोग टारगेट रखें, एक्यूरेसी 50% भी है उसकी, ठीक है, आपकी जो भी सेटअप है, जो भी कैंडल्स है, तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉफिटेबल में रहोगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी चार्ट पैटर्न आप यूज़ करते हो, 8 चार्ट पैटर्न बताया मैंने रिवर्सल में, अब ये इतना ही एंड हो गया ये, तो जो भी चार्ट पैटर्न आपको बताया, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सभी का आपको कहीं ना कहीं 1:2 का टारगेट रखना है। इस तरीके से रखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, नहीं तो क्या होगा कि फिर इसी मान लीजिए 50 से 60% है आपका जो भी ट्रेड है, जो भी लॉजिक है, और उस पर अगर आपको 50% 60% का आपका आपका एक्यूरेसी है, उसके बाद आप 1:2 नहीं लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग लॉसेस में जाने वाले हो। सो आपको 1:2 का टारगेट लेना पड़ेगा, जो भी आपको चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं हर जगह पे, और कई बारी आपको 1:2 छोड़ो, 1:20 भी देगा, बट हाँ कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू ट्रेडिंग चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं चाहिए, मनी मैनेजमेंट साथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1,00,000 रुपये मेरे अकाउंट में है और मैं 1,00,000 रुपये पूरा का पूरा ट्रेड में डाल रहा हूँ, ये गैम्बलिंग की तरह होगा। तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा गैम्बलिंग को, रिस्क मैनेज करके ये बिजनेस को संभालने का ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कंटिन्यूशन वीडियो नेक्स्ट वीडियो है, ध्यान दीजिएगा उस पर।